नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप हैं हेमंत बघेल क्लासेस में। आज का हमारा विषय है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जिन्हें नवीन युग का प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का देवदूत आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है, इनसे संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। राजा राममोहन राय, इनका जन्म 1774 ईस्वी में वर्तमान पश्चिम बंगाल जो यहाँ है, वर्तमान पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के रामनगर गांव में हुआ था। इनका परिवार कट्टर ब्राह्मण परिवार था। इनके पितामह अर्थात दादाजी बंगाल के नवाब की सेना में नियुक्त पदासीन थे, उनकी सेना में काम करते थे। राजा राममोहन राय का जो प्रारंभिक शिक्षा है स्थानीय विद्यालयों में संपन्न हुई, अर्थात कि जो गांव में जो भी विद्यालय रहा होगा, जो गुरुकुल रहा होगा, वहाँ उनकी शिक्षा संपन्न हुई। और जब ये 12 वर्ष के हुए तब इनको फारसी और अरबी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्हें पटना भेज दिया गया। उस समय में पटना मुस्लिम शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, तो वे यहाँ वहाँ क्या पढ़ने गए, फारसी और अरबी। पटना में रहकर राजा राममोहन राय ने फारसी और अरबी की शिक्षा प्राप्त की, साथ ही साथ वहाँ इन्होंने कुरान और सूफी धर्म का भी अध्ययन किया। अब उसके बाद ये घर आ गए, इसके साथ ही साथ फारसी और अरबी सीखे, हाँ अरबी भाषा, इसके साथ साथ राजा राममोहन राय अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, इन भाषाओं को भी उन्होंने कालांतर में सीखा आगे चलकर। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तब वे घर चले गए। अब उनका जो स्वभाव था, उनकी जो प्रकृति थी, एक कह सकते उग्रवादी प्रकृति थी, मतलब कि घर से एक अलग ही चलना, क्योंकि उनका जो परिवार था बिल्कुल कट्टर ब्राह्मण था, जो कि अपनी परंपराओं को उनका जो निर्वाहन है पूरी श्रद्धा के साथ करते रहे होंगे। लेकिन ये थे अब अलग ही विचार उनके, कि जो ईश्वर अनेक न होकर एक हैं, तो इतने सारे ईश्वर भगवानों की क्यों पूजा करें, किसी एक ईश्वर की पूजा करें, ईश्वर एक है, हाँ मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए, हाँ जात पात नहीं मानना चाहिए, छुआछूत नहीं मानना चाहिए। तो इन सबसे परेशान होकर इनके परिवार वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया और ये यहाँ वहाँ भटकते रहे। और इसी बीच इन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, हिब्रू जैसी भाषाएं सीखी। इन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था, ये संस्कृत के भी प्रकांड पंडित थे राजा राममोहन राय। 1803 से 1814 ईस्वी तक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में रहे, अर्थात कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने 1803 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक नौकरी की। इस बीच वे अनेक अंग्रेजी साहित्यों को उन्होंने पढ़ा, हाँ क्रिश्चियन धर्म संबंधी ग्रंथों को पढ़ा जब वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में थे। 1814 ईस्वी में उन्होंने कंपनी की नौकरी छोड़ दी और 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा क्या था, मतलब मैं पहले बता चुका कि राजा राममोहन राय के विचार अलग थे, तो अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए उन्होंने एक सभा का गठन किया जिसका नाम था आत्मीय सभा। ये पूछा जाता है प्रश्न परीक्षाओं में। उसके बाद है 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने। इसके बाद 1821 में राजा राममोहन राय ने बांग्ला भाषा में एक अखबार निकाला जिसका नाम था संवाद कौमुदी। राजा राममोहन राय ने दो अखबार निकाले थे, इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पहला अखबार कौन सा था, संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा में था, कब निकाला 1821 में। इस बार दूसरा अखबार इन्होंने निकाला अगले ही साल अर्थात की 1822 में। ये अखबार था फारसी भाषा में छपता था और इसका नाम था मिरातुल अखबार। मैं इनके नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, मिरातुल अखबार फारसी में, कब 1822 में। ये दो अखबार थे राजा राममोहन राय के द्वारा निकाले गए।
इसके बाद एक और अखबार उन्होंने निकाला था 1830 में, बंगदूत। ये राजा राममोहन राय अकेले नहीं निकाले थे, तीन लोगों ने मिलकर निकाले था। हाँ, एक तो राजा राममोहन राय, दूसरे थे द्वारकानाथ टैगोर, तीसरे थे प्रसन्न कुमार टैगोर। ये तीनों ने मिलकर कौन सा अखबार निकाला? बंगदूत, 1830 में। अब 1825 में राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। उनका वेदों में बहुत आस्था था। उपनिषदों में जो एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया हुआ है उसको प्रचारित करने के लिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। मतलब कि वो लोगों को, मतलब जो हिंदू लोगों को कहते रहे होंगे कि देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, एकेश्वरवाद को मतलब प्रमाणित किया गया है। मतलब कि मैं गलत नहीं हूँ, ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है, एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर एक है। और उन ग्रंथों में कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा राजा राममोहन राय ने। तो इसको मतलब कि प्रचारित करने के लिए उन्होंने क्या किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। अब सबसे महत्वपूर्ण 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज क्या था ये? मतलब उनके जो विचार थे उनको प्रचारित करने के लिए वो एक संस्था का गठन किया, एक समाज सभा का गठन किया, उसी का नाम था ब्रह्म समाज। उसके माध्यम से वे अपने विचारों को प्रचारित करते थे। उनके विचार को हम एक मोटा मोटा देख लेते हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध करना, एकेश्वरवाद पर बल देना, मतलब कि अनेक ईश्वरों की पूजा करने की जगह एक ईश्वर की आराधना करना, छुआछूत का विरोध, स्त्रियों के उत्थान के लिए कार्य करना, जैसे कि स्त्रियों की शिक्षा को बल देना, विधवा पुनर्विवाह को बल देना, सती प्रथा को रोकना, बाल विवाह को रोकना, इन सबका वो विरोध करते थे। विधवा पुनर्विवाह इनका समर्थन करते थे, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते थे। तो ब्रह्म समाज के जरिए भी ये सब कार्य किया करते थे। उन्होंने हाँ, इसके बाद उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो था 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने के लिए जो आंदोलन चलाया था उन्होंने, उसके लिए कई प्रयास किए थे। तो उसका फल 1829 ईस्वी में उन्हें प्राप्त हुआ। तत्कालीन जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये सती प्रथा क्या था? पहले क्या होता था, जो अधिकांशतः राजपूतों में, कि अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी पति की चिता के साथ जल जाती थी, उसे कहते थे सती प्रथा। अब कई जगह तो जो स्त्रियां थी वो मतलब विधवा होकर जीने से अच्छा है कि पति की चिता के साथ मर जाना अच्छा समझती थी और जल जाती थी, लेकिन जो कई सारे जो मरना नहीं चाहते थे उनको परिवार वाले जबरदस्ती चिता में झोंक देते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, जो विधवाओं का जो जीवन है नरक से भी बदतर होता था। तो इस प्रथा को रोकने के लिए राजा राममोहन राय ने बहुत प्रयास किए और उनके प्रयासों का फल उन्हें कब मिला? 1829 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, यानी उसके कानून बनाकर उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया कि अब कोई अगर सती प्रथा को, मतलब सती पर किसी को सती जबरदस्ती सती होने को कहता है तो उसको सजा हो सकती है। तो ये राजा राममोहन राय का इसमें बहुत बड़ा भूमिका था। अब 1830 ईस्वी में तत्कालीन जो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, उन्होंने राजा राममोहन राय को अपना दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट के पास भेजा। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पेंशन में वृद्धि करवाना था। हाँ, मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय थे वो अंग्रेजों के पेंशन पे पल रहे थे उस समय, तो उनको अपने पेंशन में वृद्धि करवाना था, साथ ही साथ भारत की दशा भी ब्रिटिश सम्राट तक पहुंचाना था। और उन्हीं ने, अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी, क्योंकि राजा राममोहन राय का जो नाम है राममोहन राय, वो कहीं के राजा तो थे नहीं। हाँ, तो उनके नाम के सामने जो राजा शब्द जुड़ा हुआ है वो अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया है, वो उनकी उपाधि है राजा। अब इसके बाद राजा राममोहन राय स्वयं ब्रिटेन जाना चाहते थे, क्योंकि 1833 में चार्टर एक्ट आने वाला था, वो उसमें भारत की दशा मतलब संसद के सामने रखना चाहते थे। अब 1833 वो ब्रिटेन चले गए और वही ब्रिटेन में ब्रिस्टल नामक स्थान पर 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई।
और राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है भारत में ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया वो था देवेंद्रनाथ टैगोर। अब हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि दी, युगदूत। तो ये था राजा राममोहन राय के विषय में एक संक्षिप्त विवरण। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।